मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान ना अपने लाइफ में एक गेम तो क्या, दो गेम तो क्या, जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता। तो याद रखिएगा, कभी भी ना मन से आप मत हारना। अगर आप सोच सकते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है तो हम अंदर ही अंदर हार गए, दूसरा काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मन से ही हार चुके हैं, तो आप एक काम क्या, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी में ना कभी भी मन से मत हारना, मेहनत करना, भले वो चीज ना मिले, पागलपन के हद तक जाकर मेहनत करना। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आज कवर करेंगे हम सभी 6 जून के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, और शाम को 6 बजे आपका मैथ का क्लास है आज ही, और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर हर एक एग्जाम का टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं पूरे एग्जाम के जैसा। और आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट्स के सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है, उनका नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, एक लिस्ट जारी हुआ है फोर्ब्स का, ठीक है ना, 2020 का, उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं अलग अलग प्रकार के जो जो गेम खेलते हैं, उसमें किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है खेलने के लिए, उसके हिसाब से नंबर वन पर कौन है, ना ही रोनाल्डो है ना ही आपका मेसी है, जो बहुत बड़े नाम है फुटबॉल के जगत में। पहले नंबर पर स्थान पाया है रॉजर फेडरर ने। ये क्या खेलते हैं, ये टेनिस खेलते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्विट्जरलैंड के ये रहने वाले हैं। क्रिकेट के मामले में ना टॉप 100 के अंदर बस एक खिलाड़ी का नाम है, और उसका नाम है आपका विराट कोहली। ठीक है, याद रखिएगा, विराट कोहली का नाम है एकमात्र क्रिकेटर का टॉप 100 के अंदर, ठीक है। और टॉप पर कौन है, रॉजर फेडरर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने चालू खाता खोलने के समय किस बैंक पर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC मानदंडों का पालन नहीं करने पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, इस रूल को फॉलो नहीं किया गया है अकाउंट खोलते वक्त, तो आरबीआई ने इसके वजह से बैन लगाया है, बैन नहीं फाइन लगाया है 4 करोड़ रुपए का, किस बैंक के ऊपर, तो सिटी बैंक के ऊपर, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रविशंकर प्रसाद ने, आपको पता है ना लॉ मिनिस्टर कौन है, कानून मंत्रालय किसके पास है, रविशंकर प्रसाद जी के पास है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रविशंकर प्रसाद ने भारत राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल लॉन्च किया है, आपको यह बताना है उस पोर्टल का जो नाम है ना, वो नाम क्या दिया गया है, जो कृत्रिम राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, www.ai.gov.in, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, FSSAI, अब ये क्या है भैया, इसको भी अच्छे से समझ लेना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो FSSAI है ना, यानी क्या मतलब इसका, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका मतलब अगर आप कहीं भी होटल खोलने जाएंगे या आपके खाने में कितना क्वालिटी है, ये सब चीज चेक कौन करता है, या कहीं पर होटल खोलने जाएंगे तो आपको उस होटल खोलने का परमिशन कौन देता है, लाइसेंस कहाँ से मिलता है, तो इसके द्वारा ही मिलता है, इनके पास से मिलता है लाइसेंस। तो आपको क्वेश्चन में बताना है FSSAI का, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका अरुण सिंघाल, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, अंडमान एंड निकोबार के कमांडर एंड चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर एंड चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है, और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, यस बैंक, बहुत चर्चा में रहा था यह बैंक एनपीए की वजह से, आपको पता है ना, हाल फिलहाल में रणबीर गिल क्वेश्चन बोल रहा है, जो इनके सीईओ थे,
क्वेश्चन बोल रहा है, यस बैंक ने गिरवी रखे शेयरों के माध्यम से डिश टीवी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण यानी एक्वायर्ड किया है, जिससे यह डायरेक्ट टू होम कंपनी में दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो कितना निवेश किया है यस बैंक ने डिश टीवी में, तो 24.19%, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आप सभी का आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, यस बैंक का अभी सीईओ कौन है, उनका नाम आपको बताना है। यस बैंक का राणा कपूर थे ना, हाँ यह नाम याद आ गया। यस बैंक के सीईओ कौन है, यस बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है, और यस बैंक का टैगलाइन कहां पर, टैगलाइन क्या है। यह तीन चीज आपको यस बैंक के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय लंबी दूरी के धावक को डोपिंग के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी डोपिंग टेस्ट में जो है वो पॉजिटिव पाया गया है एक लंबी दूरी के धावक को, जो इंडिया की हैं, जिनके ऊपर बैन लगाया गया है, उनका नाम क्या है, किरणजीत कौर, ऑप्शन नंबर आपका डी। जो फोटो में दिखाई दे रही है ना, इन्हीं के ऊपर जो है डोपिंग के आरोप में इनके ऊपर 4 साल का जो है वो बैन लगाया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महान फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन 4 जून 2020 को हुआ था, उन्होंने किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, किस फिल्म के लिए, जिनका नाम था बासु चटर्जी, तो उनको मिला है दुर्गा मूवी के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक आदेश जारी किया है कि किस राष्ट्र से उड़ान को निलंबित किया जाएगा, तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन रहा है अभी, चीन, ऑप्शन नंबर सी, चीन से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर एक समझौते पर जो है वो मंजूरी दी है, तो भारत किसके साथ, तो भूटान के साथ, ऑप्शन नंबर डी। भूटान का कैपिटल थिम्पू, करेंसी भूटानिस नुगलत्रुम, और वहां के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, लोटे शेरिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल वैक्सीन समिट, अब वैक्सीन का सबमिट भी करना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन चाहिए, COVID-19 का बहुत जरूरी है, तो इसके ऊपर एक सबमिट आयोजित किया गया है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी यह सबमिट जो है वो कहां पर होगा, तो यूके ब्रिटेन में, कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में। यूके का प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। कैपिटल क्या है, लंदन। अगर बात करें मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर, तो पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोहाला पन बिजली परियोजन के कार्यान्वयन में कौन से दो देश शामिल है, तो पाकिस्तान और चाइना। और एक बात मैं बता दूं, यह जो कोहाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है, कहां पर चल रहा है, तो ये काम चल रहा है आपका पीओके में, ठीक है, कहां पर, पीओके में। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा शहर जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के 51 वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन देश है वो, और ये देश नहीं है, शहर है, याद रखिएगा, कौन है ये, तो ये दोबास में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कहां पर पड़ता है, कौन से कंट्री में पड़ता है, तो याद रखिएगा ये पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है, तो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट जो है वो रखा गया, याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 6 जून का, इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया, वहां से भी आप सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, चलिए।